वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज ने जबरदस्त अंदाज में मुकाबले को जीत लिया। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप 2019 के 42वें मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान को 312 रनों का लक्ष्य दिया। वेस्टइंडीज ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 311 रन बनाए। वेस्टइंडीज की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे इवन ल्यूस ने 78 बॉलों का सामना करते हुए 58 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 आग उगलते छक्के लगाए। तो वहीं उनका साथ दे रहे साईहोप ने एक बार फिर अपने बल्ले से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 92 गेंदों का सामना किया, जिसमें 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 77 रन बनाए। अब वेस्टइंडीज की तरफ से बल्लेबाजी करने आए सिमरन हेटमायर ने 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 39 रन बनाए। तो वहीं पूरन ने 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 46 बॉलों का सामना करते हुए 58 रन बनाए। तो वहीं उनका साथ दे रहे जोसन होल्डर ने 34 बॉलों का सामना करते हुए 1 चौका और 4 आग उगलते छक्कों की मदद से 45 रन बनाए और अपनी टीम का स्कोर 311 रन तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया। 312 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम को वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी ब्रेथवेट कार्लोस ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी के दम पर अफगानिस्तान को 288 रन पर ही रोक दिया। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन अली खली ने बनाए। अली खली ने 93 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौकों की मदद से 86 रन बनाए। तो वहीं उनका साथ दे रहे रहमत शाह ने 10 चौकों की मदद से 78 बॉलों का सामना करते हुए 62 रन बनाए और अफगानिस्तान का कोई भी बल्लेबाज विस्फोटक बल्लेबाजी नहीं कर सका और अफगानिस्तान ये मुकाबला 23 रन से हार गया। आपको वेस्टइंडीज की जीत और वेस्टइंडीज के कौन से बल्लेबाज की बल्लेबाजी ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें।